हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, हम सबको पता चल गया। ठीक है, देखो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से 21-23 बैच के स्टूडेंट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और कई कई बच्चों ने रिजल्ट चेक भी किया है। लेकिन मेरे भाई कहने का मतलब है, ये मान के चलो आधा से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट अभी नहीं सो रहा है। जैसे अगर मान लो मेरे भाई टोटल 100 स्टूडेंट हैं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 30% बच्चों का रिजल्ट शो हो रहा है, 70% बच्चों का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मुख्यतः यही बात करेंगे कि क्यों 70% बच्चों का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, क्या उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, देखो मुख्यतः तीन कारण जो अभी तक सामने निकल के आई है बातें, मुख्यतः तीन कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। एक एक पे बात करेंगे, बस आप पेशेंस के साथ सुन लेना और समझ लेना, उसके बाद अपने बीएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाओ। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अच्छे परसेंटेज नहीं बन रहे हैं मेरे भाई, तब आप अपने सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी जी जान से करो ताकि आप उसको कवर कर सको। तो आओ सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं क्यों आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या तीन कारण हो सकते हैं। बस आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को सुन लो, समझ लो, ताकि इसके बाद मेरे भाई आपके डाउट ना बचे। देखो सबसे फर्स्ट कारण मैं सेलेक्ट किया हूँ माइग्रेशन का। अच्छा, माइग्रेशन में देखो दो तरीके कंडीशन बनते हैं। सबसे पहले ये जानो माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ती क्यों है। देखो अभी मान लो आप बीए, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर मान लो आप बीए या बीएससी किसी अन्य यूनिवर्सिटी से की हो, एग्जांपल के तौर पे मान लो लखनऊ यूनिवर्सिटी से या फिर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी की हो, और फिर यूनिवर्सिटी चेंज करके आप बीएड जो है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, तब मेरे भाई आपको माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये माइग्रेशन आप अपने महाविद्यालय में जमा करते हो, फिर उस महाविद्यालय वाले आपके कॉलेज आपके स्कूल वाले क्या करते हैं, उस माइग्रेशन को ले जाके आपकी यूनिवर्सिटी यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में जमा कर देते हैं और आपका उस यूनिवर्सिटी में आपका नामांकन, आपका इनरोलमेंट हो जाता है, आपका नामांकन हो जाता है। तो ये माइग्रेशन का यहाँ जरूरत पड़ती है। तो देखो अगर क्या बात अभी आती कि क्या सर माइग्रेशन के वजह से रिजल्ट नहीं आता है, तो ध्यान से सुनना, माइग्रेशन के बिना हर साल रिजल्ट आता था, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, एक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी करते हुए ये बोल दिया था कि 25 तारीख से पहले पहले सभी बच्चे अपना माइग्रेशन जमा कर दें जिनकी यूनिवर्सिटी चेंज हुई है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, 90% चांस है कि बिना माइग्रेशन के भी रिजल्ट आए और 10% चांस है कि भैया बिना माइग्रेशन के रिजल्ट ना आएगा। तो ध्यान से सुनना, 90% चांस है कि बिना माइग्रेशन के रिजल्ट आए और 10% चांस है कि बिना माइग्रेशन के रिजल्ट ना आए। अगर रिजल्ट नहीं आता है माइग्रेशन के बिना, तब क्या करें, अभी इस पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले कारण सेकंड समझो, किस रीजन की वजह से आपका रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। तो मेरे भाई सबसे मुख्य कारण है प्रैक्टिकल। अभी कई बच्चों ने कमेंट किया था और मैसेज भी किया था पर्सनली कि सर जी हमारे कॉलेज में तो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं है, 14 और 15 तारीख को हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल प्रस्तावित है, तब सर हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। तब तो भैया आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक आपका वेट करना पड़ेगा। जब आपका मेरे भाई प्रैक्टिकल हो जाएगा, कॉलेज वाले वो नंबर आपकी यूनिवर्सिटी भेज देंगे, फिर वो जो कि आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर करेंगे। तो जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं हो जाता और प्रैक्टिकल होने के 2 से 3 दिन आपको वेट करो, फिर आपका रिजल्ट शो होगा। और मेरे भाई थर्ड और सबसे मुख्य कारण है, अगर देखो आपका यूनिवर्सिटी भी चेंज नहीं है, ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, यूनिवर्सिटी भी आपकी चेंज नहीं है यानी माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, तब मेरे भाई क्यों आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजन है डाटा अपलोडिंग का। 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन या फिर 4 और 5 दिन भी लग जाते हैं डाटा अपलोडिंग में मेरे भाई, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो आपके रिजल्ट शो होंगे। तो आप 3 से 4 दिन या 5 दिन वेट कर लो, फिर आपका रिजल्ट शो होने लगेगा। रेगुलर चेक करते रहो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि भैया माइग्रेशन, अगर हम लोग बिना माइग्रेशन के रिजल्ट नहीं आता तब क्या करें, तो एक ऑप्शन है वो है आपका कॉलेज। अपने कॉलेज पे संपर्क करो, अगर आपके माइग्रेशन आपके पास हैं तो कॉलेज पे ले जाके जमा कर दो, वो ले जाके यूनिवर्सिटी जमा कर देंगे और आपका रिजल्ट शो होने लगेगा। देखो उसके पहले 3 से 4 दिन थोड़ा सा वेट कर लो, अगर मेरे भाई प्रैक्टिकल हो गया है आपका और माइग्रेशन नहीं है आपके पास, तो 3 से 4 दिन वेट कर लो, फिर भी 3 से 4 दिन वेट कर लो और आपका रिजल्ट शो होने लगेगा। अगर फिर भी नहीं शो होता है, तब जो कि अपना आप माइग्रेशन पे वर्क करना और माइग्रेशन अपने कॉलेज में जमा करना, और मेरे भाई अपने जिस भी पिछली यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेके ले जाके अपने कॉलेज में जमा कर देना, और वहां के जो भी बड़े बाबू वगैरह रहते हैं वो यूनिवर्सिटी जाके आपको जो कि आपका नामांकन करा देते हैं, फिर आपका रिजल्ट शो होने लगेगा। ये मुख्य तीन कारण है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और मेरे भाई अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं बने हैं या फिर किसी कारण बस आपके परसेंटेज कम रह गए हैं, आप लिख नहीं पाए हो या फिर किसी और भी कारण की वजह से आप तैयारी नहीं कर पाए हो, तो सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी मेरे भाई जी जान से करिए ताकि आप कवर कर सको।
बाकी जो भी बच्चे मेरे भाई 65 या फिर मेरे भाई 60% के ऊपर भी नंबर लेके आए हैं, उनको भैया मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये बिना चीटिंग और बिना मेरे भाई किसी की हेल्प की मदद से आप अपने अपने नॉलेज बेस पे ये 60 या 65 या फिर 70-78% लेके आए हो। आप सभी को कंग्रेचुलेसन। बाकी जो भी जिनके भी रिजल्ट शो होंगे अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा परफेक्ट स्टडी के साथ। और मेरे भाई टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, आपके मन में कोई डाउट वाउट लगे तो इंस्टा आईडी से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है इसी वीडियो के, ठीक है। और देखो सेकेंड सेमेस्टर के और अच्छे से तैयारी करने के लिए दो परफेक्ट ऐसी जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा है 99 रुपये में मेरे भाई चारों पेपर के, उस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स लेके फर्स्ट सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर में भी नोट्स आपके बिल्कुल सेलेक्टेड हैं। तो जितने भी नोट्स हैं सब बिल्कुल सेलेक्टेड हो, तो आप लेके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आप नोट्स ले सकते हो और अच्छे से आप पढ़ाई करो, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लीजिए। उम्मीद करते हैं तीनों रीजन आप समझे होंगे, डाटा अपलोडिंग, प्रैक्टिकल और माइग्रेशन की वजह से आपका रिजल्ट अगर रुक सकता है, ठीक है, ये मान के चलो कि 90% चांस है कि बिना माइग्रेशन के भी रिजल्ट आ जाए, ठीक है, 90% भी चांस है कि बिना माइग्रेशन के रिजल्ट आ जाए, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, 3 से 4 दिन आप वेट कर लो, उसके बाद आप माइग्रेशन भी ले जाके अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे समझे होंगे सारे पॉइंटों को, और रिजल्ट तो आएगा, लेट सबे रिजल्ट आएगा, बट आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, और मेरे भाई अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।